डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी 10वीं का एग्जाम चल रहा है उसके साइंस के क्वेश्चन पेपर को, जो साइंस का है जिसका कोड जे है। आइए इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सकें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुष्पों में पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, फटाफट अंदाज में देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो किसका उपयोग किया था? मटर का। जो हमने पढ़ाया है वही हूबहू सेम सेम इसमें आ गया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चार नंबर। चार नंबर प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर। पाँच नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रंध्रों के द्वारा होता है। आइए देख लेते हैं छः नंबर प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आदमी का सबसे तेज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सात नंबर प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचड़ा यानी का उत्सर्जन करता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सभी जो हम लोग उत्सर्जी पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आठ नंबर। आठ नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? न्यूरॉन करते हैं कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% सही है जो हम आपको आंसर बता रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर। नौ नंबर प्रश्न है, आमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है? तो धारा को आमीटर से मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दस नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और चैनल को अभी तक जिस जो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए उस वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्यारह नंबर प्रश्न है, दर्पण का सूत्र होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? जब किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, सूर्य क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6, 6 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधे। ये सारे प्रश्न हमने पीछे करवा चुका हूँ क्लास में, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हु बहु एकदम आ गया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लैमार्क ने लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये सभी प्रश्न हम यहाँ पे जो पूछा है वो हम बता चुके हैं। तो अगर आपके भाई अगर पढ़ रहे होंगे 10वें में, तो इस चैनल को आप बोलिए कि इस चीज़ चैनल से पढ़ें ताकि उनकी तैयारी 100% हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, विभव का एसआई मात्रक होता है? तो विभव के एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2H2O + O2
H2O है। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत बार बताएं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है सोडियम, 23 नंबर प्रश्न है सोडियम का परमाणु संख्या है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का अधिकांश पोषण होता है, तो अमीबा का अधिकांश पोषण किससे होता है, अंतर्ग्रहण से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हमेशा प्रकाश की किरण होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता के सही मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायोप्टर, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो जो लाल रंग होता है उसका विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। और देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त हो प्रवाहित होती है, तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो जो ग्रेफाइड होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है, तो जो COOH है वो क्या है, कार्बोक्सिल समूह है। आइए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो जीवधारी होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दो, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न, तरंग दैर्ध्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है, टेंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्न में से किस धातु को सोलर सेल निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लवण है, तो HCl क्या है, लवण है। तो राइट आंसर निम्न में से कौन लवण है, तो सॉरी यहाँ पे लवण क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, लवण क्या हो जाएगा, NaOH क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इथेन के एक परमाणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 7। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोफिल के कारण जो पौधे के पत्ती होता है या पौधा होता है वो हरा कलर का दिखाई देता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, टेरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है NO2 और SO2 के कारण। तो यहाँ पे NO2 नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका SO2। SO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार, ठंडा तार, तो हमेशा स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो मस्तिष्क पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।